बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल सेंसेस का दूसरा लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑप्टिक्स। उसमें हमने देखा था कि लाइट रेज जो हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं, डिफरेंट मीडियम में कैसे बिहेव करती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट रेज का जो है कन्वेक्स, कनकेव और सिलेंड्रिकल लेंस में जो है बिहेवियर कैसे होता है, फोकल लेंथ हमने पढ़ी थी, फोकल पॉइंट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होती है रिफ्रैक्टिव पावर्स की, कैसे मेजर करते हैं अडैप्टर्स में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ऑप्टिक्स ऑफ द आई एंड एकोमोडेशन, के आई की जो एकोमोडेशन है वो कैसे होती है। सबसे पहले हम जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रुमा इस्मी शैम फिल अर्ज़ वला फिस समाए वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अच्छा जी, ये एक जस्ट वन स्लाइड फॉर द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन आई, जस्ट शॉर्ट। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द ऑप्टिक ऑफ द आई। आई इज़ बेसिकली लाइक वर्किंग लाइक ए कैमरा, और वी कैन से दैट कैमरा बेसिकली वॉज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द आई। इसमें जो होता है लेंस सिस्टम होता है, अपर्चर सिस्टम होता है। अपर्चर हम जो जैसे कैमरे का एक अपर्चर होता है, हमारे जो पीपल है वो अपर्चर है, और हमारी एक फिल्म की जगह पे जो है वो रेटिना है कि जहाँ पे इमेज बनता है। बेसिकली द लेंस सिस्टम ऑफ आई इज़ कंपोज्ड ऑफ फोर रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस। पहला जो इंटरफेस है वो बिटवीन द एयर और कॉर्निया के दरमियान, कि आई कि जो कॉर्निया है उसका एंटीरियर सरफेस और एयर के दरमियान जो इंटरफेस है वो नंबर वन है। फिर अंदर सेकंड इंटरफेस जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के दरमियान है, जो एंटीरियर चैम्बर जिसको हम कहते हैं। थर्ड इंटरफेस इज बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, एंड द फोर्थ वन इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड द विट्रियस ह्यूमर, यानी कि पोस्टीरियर चैम्बर। अगर इंटरनल, अब ये एक डायग्राम में देखें कि एयर का जो है इंडेक्स दैट इज़ वन, इंटरनल इंडेक्स इज़ वन, कॉर्निया का जो है वो है 1.38, एक्वस ह्यूमर का 1.33, लेंस का 1.40 और विट्रियस ह्यूमर का 1.3। तो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो आई की 59 डायोप्टर्स होती है, यानी कि आईज में जो रिफ्रैक्शन होती है वो 59 डायोप्टर की तक होती है। अब अगर आल रिफ्रैक्टरी सरफेसेस ऑफ द आई उनको हम अलजेब्रिकली ऐड करें टुगेदर में, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल लेंस है, यानी कि जिसकी जो रिफ्रैक्टरी पावर है वो 59 डायोप्टर है, और इसको हम सिंपली कहते हैं कि ये एक रिड्यूस्ड आई है। तो अब इस रिड्यूस्ड आई की, जिसकी सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो 17 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, और इसकी टोटल रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो 59 डॉप्टर्स है। अच्छा जी, अब ये है कि हमारा जो लेंस है, हमारी ये जो 59 डॉप्टर्स, या रफली हम कह सकते हैं कि 60 डॉप्टर, इसका जो 2/3 है यानी मेजर पोर्शन, यानी 40 डॉप्टर्स जो है वो प्रोवाइड करती है कॉर्निया, यानी कि 40 डायोप्टर्स जो रिफ्रैक्टिव पावर है आई की, 2/3 टोटल आई की जो रिफ्रैक्टिव पावर है उसका 2/3 इज प्रोवाइडेड बाय द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, और बाकी जो 1/3 है जो कि 20 के डायोप्टर्स के करीब बाकी बचता है वो हमारा प्रोवाइड करता है लेंस। अब जो लेंस है ये इसकी जो कर्वेचर है, यानी इसकी डायोप्टर पावर कह लें, ये इसकी जो कर्वेचर है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, और यानी व्हेन वी आर सीइंग फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट टू द नियर ऑब्जेक्ट और नियर टू द फार ऑब्जेक्ट, तब इसकी लेंस की जो कर्वेचर है वो चेंज होती है। इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है, जस्ट लाइक फिल्म ऑन द कैमरा, जो प्रीवियसली कैमरा यूज होता था फिल्म वाला। तो अब जो है माइंड जो है, अभी आपको पता है कि ये जो इमेज है वो रेटिना पे वो इन्वर्टेड होता है,
लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो इतना ट्रेन होता है कि वो इस इमेज को अपराइट परसीव करता है और हम इससे यूज्ड होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इससे ट्रेन हो जाता है। अब आ जाता है कि व्हाट इज़ एकोमोडेशन। इस पे मैंने असाइनमेंट भी आप लोगों को दी है कि आपने एकोमोडेशन पे असाइनमेंट जो है वो मुझे सेंड करनी है। एकोमोडेशन क्या है? अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आई को अगर अलजेब्रिकली अगर हम देखें तो उस पे जो है उसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो 59 डायोप्टर है, जिसमें से 2/3 जो है वो कॉर्निया, इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, यानी 40 डायोप्टर्स जो हैं रिफ्रैक्टिव पावर के वो कॉर्निया की वजह से होते हैं और बाकी जो है 1/3 जो है वो सिर्फ लेंस की वजह से होते हैं। अब ये जो चिल्ड्रन होते हैं, अब ये देखें कि एकोमोडेशन कि हमने एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको दूर से देखना है और फिर उसको नज़दीक से देखना है, तो क्या क्या चेंजेस आती हैं आई में और इसमें कौन सी नर्व्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखेंगे कि एकोमोडेशन का मैकेनिज़्म क्या होता है। चिल्ड्रन जो है अर्ली एज, उसमें ये होता है कि उनकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो इंक्रीज हो सकती है तकरीबन 20-30 डायोप्टर या 20-34 डायोप्टर्स के करीब जो है वो उनकी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो सकती है। और यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके अंदर ये एकोमोडेशन की जो पावर है वो ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि वेन एवर देर इज़ इंक्रीज इन डायोप्टर्स, दिस मीन्स के रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो लेंस जो है उसकी जो कन्वेक्सिटी है वो इंक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है कि शेप ऑफ द लेंस जो है वो चेंज हो रही है। यंग पर्सन जो होते हैं उनमें ये कंपैरेटिवली ये कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि लेंस जो है वो बेसिकली ये एक प्रोटीनियस जो होता है सब्सटेंस उससे बना होता है, तो इसलिए कि उनमें फिर स्लोली स्लोली ये जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब आते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको एनाटॉमी बता दूं कि एकोमोडेशन से पहले कि देर आर अबाउट 70 सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो कि रेडियली रेडियस की तरह ये लेंस के अराउंड होते हैं। ये लिगामेंट्स जो होते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं, ये बेसिकली इनकी अटैचमेंट जो होती है वो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है, ये देखें ये सस्पेंसरी लिगामेंट है और इस डायग्राम में ये रेडियली अटैच है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट की अटैचमेंट जो होती है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द कोराइड एंड रेटिना, यानी यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होती है और ये बेसिकली ये टेंस होते हैं। और जब ये टेंस होते हैं, ये वाले सस्पेंसरी लिगामेंट जब ये ऐसे खिंचे होंगे, टेंस होंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये लेंस जो है ना ये फ्लैट हो जाएगा दोनों साइडों के। जैसे कि आजकल कोरोना मास्क बहुत यूज़ हो रहा है तो आप देखें कि जैसे ही हम दोनों तरफ से उसकी जो वो इलास्टिक रबर्स होती हैं उनको हम टेंस करते हैं, उनको पुल करते हैं दोनों तरफ से, तो आप देखें कि वो जो दरमियान में जो वो फेस मास्क है वो भी फ्लैटन हो जाता है। सेम लाइक दैट सस्पेंसरी लिगामेंट जब भी टेंस होगा तो जो लेंस है वो फ्लैटन हो जाएगा। अब ये जो है लेंस के साथ ये जो सिलरी मसल्स जो लेटरल अटैचमेंट ऑफ लेंस है उसके साथ लिगामेंट्स अटैच हैं और वो आई बॉल के उनको कहते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेरिडोनियल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सर्कुलर फाइबर्स। वापस जाता हूँ डायग्राम में, ये देखें कि ये सिलरी मसल्स हैं, एक तो ये वाले हैं, दीज आर द मेरिडोनियल फाइबर्स एंड दिस वन इज सर्कुलर फाइबर्स ऑन बोथ साइड्स लेंस की दोनों तरफ, मेरिडोनियल फाइबर्स एंड सर्कुलर फाइबर्स। अब जो मेरिडोनियल फाइबर्स हैं दीज एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरल एंड्स ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट टू द कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। ये देखें ये है कॉर्नियो, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं ये वाले मेरिडोनियल फाइबर्स, जबकि सर्कुलर फाइबर्स जो हैं ये अटैच होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट पे। ये एग्जैक्टली जो हैं जहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट की कॉर्नियो सॉरी जो है क्या इसको कहते हैं
कि कोराइड और रेटिना की जो प्लेस है एंटीरियर बॉर्डर वहाँ पर अटैच होता है। अब मेरिडोनियल फाइबर्स जो हैं ये जब भी ये फाइबर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे कि जो लिगामेंट्स हैं उनको मीडियली एंड टुवर्ड्स द एज ऑफ द कॉर्निया उसको पुल करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि जो लिगामेंट की जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। जब लिगामेंट की टेंशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो फ्लैट लेंस था वो अब कर्वेचर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये है मेरिडोनियल फाइबर्स और ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये टेंस होते हैं, टेंस होते हैं। जब मेरिडोनियल फाइबर्स ये पुल करेंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो रिलैक्स करेगा और जो लेंस का जो फ्लैट से ये कर्वेचर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज सर्कुलर फाइबर्स, ये सर्कुलरली अरेंज्ड होते हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी लिगामेंट्स को पुल लेस ऑन द के लिगामेंट्स का जो इफेक्ट है, जो टेंशन वाला इफेक्ट है लेंस के ऊपर जिसकी वजह से लेंस जो है वो फ्लैट हुआ हुआ था उसको ये इनहिबिट करेंगे जिसकी वजह से लेंस का जो है वो कर्वेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। सो कंट्रैक्शन ऑफ द एनी सेट ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ द स्मूथ मसल्स आइदर मेरिडोनियल फाइबर्स और द सर्कुलर फाइबर्स रिलैक्स द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ द लेंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, लेंस बिकम्स द स्फेरिकल इन शेप और वी कैन से दैट कि उसकी जो नेचुरल इलास्टिसिटी है वो इसको कॉज कर रही है क्योंकि लेंस के अंदर एक नेचुरल रिफ्रैक्शन की और इलास्टिसिटी की पावर होती है। सो वेन एवर देर इज रिलैक्सेशन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट देन लेंस बिकम्स स्फेरिकल इन शेप। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन आई वॉन्ट टू टेल यू द नर्व सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ द आई। सबसे पहले तो इसमें बेसिकली आप देखें कि तीन चीज़ें हैं, तीन तरह की नर्व्स हैं जो कि आई के मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। एक तो है ऑक्यूलोमोटर नर्व, दूसरी है सिक्स्थ नर्व और तीसरी है फोर्थ क्रेनियल नर्व, यानी 3, 4 एंड 6 दीज आर द क्रेनियल नर्व्स दैट सप्लाई द मसल्स ऑफ द आई बॉल। अब जो थर्ड क्रेनियल नर्व है दैट इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व, इसके दो कंपोनेंट हैं, आउटर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स दैट सप्लाई द सिलरी मसल्स एंड स्फिंक्टर पेपिलाई और जो इनर है वो सप्लाई करता है बाकी जो मसल्स हैं, लिबेटर पल्पेब्रा सुपीरियस जो आईलेट का है और दूसरे एक्स्ट्राकुलर मसल्स सुपीरियर मिडल इन्फीरियर रेक्टाई और इन्फीरियर ओब्लिक। LR6 और SO4 का फार्मूला वेरी फेमस फार्मूला के जो लेटरल रेक्टस मसल है उसको 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है और सुपीरियर ओब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, यानी ये दो मसल्स को छोड़ के बाकी जितने मसल्स हैं आई के उनको 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। सुपीरियर ओब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी और लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी और बाकी जितने मसल्स हैं उनको 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी और प्लस ये 3rd क्रेनियल नर्व जो है वो सिलरी मसल्स को भी सप्लाई कर रही है और स्फिंक्टर पिपिलाई को भी कर रही है। ये याद रखना है कि ये स्फिंक्टर पिपिलाई को भी सप्लाई कर रही है। अब हम आते हैं कि एकोमोडेशन क्या होती है। ये एक 3rd क्रेनियल नर्व की एक्यूलोमीटर की ये सप्लाई, ये देखें एक्यूलोमीटर की ओरिजिन है, ये भी मैं आपको पाथवे भी अभी बताता हूँ और फिर ये जो है आई के मसल्स को सप्लाई कर रही है। मोर प्रिसाइजली बस ये है कि LR6 SO4 को छोड़ के यानी सुपीरियर ओब्लिक और लेटर रेक्टस को छोड़ के बाकी जो मसल्स जो आई के जो मसल्स हैं उनको ये ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो सप्लाई करते हैं। अगेन इसमें देखें कि ये मसल्स जो हैं उनको 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन। अब ये जो सिलरी मसल्स हैं
जिनको ये थर्ड क्लिनी नर्व सप्लाई कर रही है, इनकी बेसिकली इनका जो कंट्रोल है वो पैरासिम्पथेटिक है। थोड़ा सा सिंपथेटिक भी है लेकिन मेनली जो कंट्रोल है वो पैरासिम्पथेटिक है। वेन एवर देर इज द स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्व, वट हैपन्स, बोथ सेट्स ऑफ सिलरी मसल्स वो कॉन्टैक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बोथ सेट्स कौन से थे कि मेरिडोनियल फाइबर्स और सर्कुलर, ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस पे जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो रिलैक्स हो जाएगा। जब वो रिलैक्स करेगा तो लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट टेंस रहेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फेस मास्क की कि उसको साइडों से अगर हम उसको खींचते हैं तो वो फ्लैटन हो जाता है, तो इसी तरह अगर सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो टेंस रहेगा तो लेंस जो है वो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जब स्टिमुलेशन हो जाएगी पैरासिम्पथेटिक नर्व्स के ज़रिए, ये जो दोनों सिलरी मसल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो लेंस के जो लिगामेंट है उसको, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है जो लेंस के साथ अटैच है, उसको रिलैक्स कर देते हैं। जब उसको वो रिलैक्स करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लेंस का जो है कर्वेचर वो इंक्रीज हो जाता है, वो और थिक हो जाता है। जब उसका कर्वेचर इंक्रीज होगा तो वट विल हैपन, इट्स रिफ्रैक्टरी पावर, रिफ्रैक्टिव पावर विल बी इंक्रीज। जब उसकी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि अब लेंस इस पोजीशन में होगा कि वो नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस कर सके। अब ये पैरासिम्पथेटिक जो है ये फाइबर जो है ये अराइज करते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से, बेसिकली ये थर्ड क्रैनियल नर्व का जो विसरल न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद ये थर्ड पास करते हैं थ्रू द सिलरी गैंग्लियन, उसके बाद प्री गैंग्लियनिक फाइबर स्नैप्स विद द पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर, उसके बाद ये फाइबर मजीद आगे सिलरी नर्व्स इनटू द आई बॉल से सप्लाई करते हैं। ये दोबारा इधर ये डायग्राम में कहता हूँ आपको, ये देखें सबसे पहले प्री टेक्टल रीजन में, फिर ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, देन दिस इज द सिलरी गैंग्लियन, एंड आफ्टर द सिलरी गैंग्लियन दे आर सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द आई। ये तो हो गया। और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली ये इसका होता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, कि सिंपथेटिक नर्व्स बेसिकली ये ओरिजिनेट करती हैं कि इंटीरियो मीडियल लेटरल हार सेल्स ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड से, और यहाँ से सिंपथेटिक फाइबर जो है ये पास करते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और फिर उसके बाद सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो है उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपथेटिक फाइबर्स फ्रॉम दीज देन स्प्रेड टू द सर्फेस ऑफ द कैरोटिड आर्टरी अलॉन्ग विद द सर्फेस ऑफ द कैरोटिड आर्टरी एंड देन दीज सिंपथेटिक फाइबर्स इनर्वेट द रेडियल फाइबर्स ऑफ द आयरस। यहाँ से ये देखें कि ये जो सेगमेंट है T1 सेगमेंट, यहाँ से ये फाइबर ओरिजिनेट करते हैं, फिर सर्वाइकल सिंपथेटिक ट्रंक से होते हुए ये सुपीरियर सर्वाइकल सिंपथेटिक गैंग्लियन, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर तीन सर्वाइकल सिंपथेटिक गैंग्लियन होते हैं, और फिर यहाँ से ये कैरोटिड आर्टरी के साथ होते हुए ये आगे सप्लाई कर जाते हैं आई का जो मसल्स है आयरस को सप्लाई करते हैं। ये होगी इसकी सिंपथेटिक इनर्वेशन। अब क्या होता है कि उसके बाद ये जितनी भी अकोमोडेशन है इसका जो मेन कंट्रोल है, अब उसके बाद जो अल्टीमेट कंट्रोल वो है कि ब्रॉडमैन्स कॉर्टिकल एरिया 18 एंड 19, यहाँ पे इसका कंट्रोल होता है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो है थर्ड क्रेनियन नर्व ये सारे एक्स्ट्राक्यूलर आई मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट लेटर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक, एर एक और स्फिंक्टर पिलाई उसको भी सप्लाई करती है। अब मैं आपके पास एक सिनेरियो रख रहा हूँ, इसमें देखें कि ए 22-year मेल हैज़ डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हैविंग फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल, उसकी प्यूपल जो है वो फिक्स हैं और डायलेटेड है, और उसका लेवल जो है कॉन्शियसनेस का वो कम हो गया, डिक्रीज्ड है। सो विच नर्व इज इन्वॉल्व्ड, फेशियल नर्व, एक्यूलोमोटर, abducens that supplies the lateral rectus,
ऑप्टिक नर्व और द ट्रॉकलियर नर्व, इनमें से कौन सी नर्व जो है वो इन्वॉल्व है, ये आपने मुझे बताना। अकोमोडेशन ऑफ लेंस जो है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक के जरिए भी कंट्रोल होती है। अब हम आते हैं कि नियर विजन की जो अकोमोडेशन है वो कैसे होती है। वेन एवर अ पर्सन सी फ्रॉम अ फार ऑब्जेक्ट टू द नियर ऑब्जेक्ट, सपोज करते हैं कि वो पहले वो अबाउट 6 मीटर अवे वो देख रहा था, अब सडनली उसने अपने नियर कोई चीज़ है जो कोई अबाउट कह लें कि 1 फीट के डिफरेंस पे है, जैसे कोई बुक है उसकी तरफ उसने देखना है, तो अब उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी ताकि वो उस चीज़ को फोकस कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन देयर विल बी द रिलैक्सेशन ऑफ द सस्पेंस लिगामेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कर्वेचर कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस विल बी इंक्रीज्ड एंड देयर विल बी द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल एंड एट द थर्ड पॉइंट देयर विल बी कन्वर्जेंस ऑफ द आई बॉल्स। ये तीन चीज़ें होंगी जिसकी वजह से नियर विजन को अकोमोडेशन जो है वो रिस्पॉन्ड, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन। मैं दोबारा से बताता हूँ अकोमोडेशन का मैकेनिज्म, कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस जो है वो कैसे बिहेव करता है। लेंस के साथ ये जो है लेंस के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच है, वेन एवर देर इज टेंशन इन द सस्पेंसरी लिगामेंट ये लेंस फ्लैटेंड रहेगा, और जब सस्पेंसरी लिगामेंट जो है इनकी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी तो ये नेचुरल जो इसकी कन्वेक्सिटी है वो लेंस जो है इसका कर्वेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वेन एवर देर इज पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन टू दीज टू सेट ऑफ द सिलरी मसल्स मेरिडोनियल फाइबर्स और सर्कुलर फाइबर्स, तो ये एक्ट करते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट को रिलैक्स करते हैं, जब सस्पेंसरी लिगामेंट की टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ये रिलैक्स हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कन्वेक्सिटी ऑफ लेंस विल बी इंक्रीज्ड। और ये मेनली जो है अकोमोडेशन इज अ पैरासिम्पथेटिक फिनोमेना, ये पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो ये अकोमोडेशन होती है, और इसमें क्या है अक्विलोमोटर नर्व जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अक्विलोमोटर नर्व जो है पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स थ्रू द अक्विलोमोटर नर्व वो जाके सिलरी मसल्स को सप्लाई हो रही होती है। अच्छा जी, हम आते हैं व्हाट आर द यानी अकोमोडेशन की कुछ डिजीजेज की तरफ, कि वेन एवर देर इज लॉस ऑफ अकोमोडेशन तो क्या होता है। तो एक जो डिजीज है उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द इलास्टिसिटी ऑफ लेंस इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, और जो प्रोटीनियस सब्सटेंस है कि लेंस की जो है उसकी क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, डीनेचुरेशन होनी शुरू हो जाती है लेंस की, तो जो नेचुरल इलास्टिसिटी है लेंस की वो कम होना शुरू हो जाती होनी शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाती है तो वैसे वैसे जो लेंस की जो इलास्टिसिटी है इलास्टिक पावर है लेंस की कर्वेचर बढ़ना शुरू हो जाती है और वो कम होना शुरू हो जाती है। देखें कि जो चिल्ड्रन में मैंने अभी डिस्कस किया था कि चिल्ड्रन की जो डैप्टर है वो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अबाउट 20 से 34 के दरमियान डैप्टर्स, अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो 20 है तो वो उसको 34 तक इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी लेंस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही पर्सन जो है उसकी एज अब बढ़ना शुरू हो जाती है तो अब उसमें जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो विद एट द एज ऑफ अबाउट 50 ईयर उसमें सिर्फ 2 डायप्टर रह जाती है, यानी जब वो चाइल्ड था तो उसमें 14 डायप्टर्स की थी उसमें पावर इलास्टिसिटी की, और 50 ईयर्स की एज तक पहुँचते हैं उसके अंदर 14 से वो सिर्फ
दो डैप्टर जितनी रहेगी। अब ये प्रेसबायोपिया जो है इसमें क्या होता है कि लेंस जो है वो एकोमोडेट नहीं कर रहा, फार से नियर की तरफ देखते हैं तो लेंस जो है वो एकोमोडेट नहीं कर रहा। अब प्लस एट द सेम टाइम प्रेसबायोपिक जो पर्सन होता है उसमें जो है वो फार विजन जो है वो भी वीक होती है और नियर विजन जो है वो भी एकोमोडेशन नहीं हो रही होती, वो भी वीक होती है, चीज़ें फोकस नहीं हो रही होती। तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि ऐसे पर्सन को बाईफोकल लेंस यूज़ करवाते हैं, ये इस तरीके से कि ये जो पोर्शन है ये फॉर फार विजन और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ यूज्ड फॉर द नियर विजन। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोगों की जो ग्लासेस होते हैं वो इस तरीके से बाईफोकल, ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं वो बाईफोकल जो ग्लासेस है वो यूज़ करते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब आ गया डेप्थ ऑफ फोकस ऑफ द लेंस सिस्टम इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग पेपुलरी डायमीटर। ये जो पेपुलरी डायमीटर है, यहाँ पे पीपल का जो डायमीटर है, इसका इफेक्ट ये है कि ये फोकस की डेप्थ पे इफेक्ट करता है। वो कैसे, ये दो आईज दिखाई हैं, यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है लाइट का, ये जो है आई, इस यहाँ पे जो पेपुलरी जो डायमीटर है वो कम है और यहाँ पे ये देखें कि ये पेपुलरी डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सेम डिस्टेंस पे है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ये वाली जो आई है अपर आई जिसका पेपुलरी डायमीटर कम है, इसमें क्या होगा कि अब इसमें इमेज बन रहा है यहाँ पे रेटिना पे, और जिसमें पेपुलरी डायमीटर ज़्यादा है इसमें भी इमेज रेटिना पे बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। लेकिन जब भी रेटिना जो है, अगर सपोज रेटिना जो है वो मूव करती है, इसकी पोजीशन चेंज होती है, ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करती है, तो उसमें देखें कि जिसका पिपिलरी डायमीटर कम है यहाँ पे रेटिना के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने से जो इमेज है उस पे इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ रहा, इमेज डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे पिपिलरी डायमीटर ज़्यादा है तो यहाँ पे ये देखें, क्योंकि पिपिलरी डायमीटर ज़्यादा होने से ये स्पेक्ट्रम बढ़ गया, लाइट का स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव जो पावर है वो भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लाइट रेज जो है वो पेरिफ्रीज से एंटर होनी शुरू हो गई है, तो रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो इमेज बन रहा है, अब इसकी डेप्थ जो है, जैसे ही रेटिना फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगी तो इसकी जो डेप्थ है वो अब चेंज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो फोकस है, जो साइज है वो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे उसको ब्लरिंग नज़र, क्लियर जो है वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। सेम थिंग, ये ओके। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द अर्जाइल रॉबर्टसन पीपल। व्हाट इज अर्जाइल रॉबर्टसन पीपल? अर्जाइल रॉबर्टसन पीपल उसको कहते हैं कि जिसमें कोई पर्सन जो है उसमें लाइट रिफ्लेक्स तो एबसेंट होता है लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अर्जाइल रॉबर्टसन पीपल। अब जिस भी पर्सन में लाइट रिफ्लेक्स एबसेंट हो लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स वो प्रेजेंट हो, कि वो अकोमोडेट कर रहा हो, फार विजन से उसको नियर की तरफ लाएं तो वो फोकस कर ले, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स जो है वो एबसेंट हो, तो ये मुख्तलिफ जो किस्म की डिजीज़ हैं उनको डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है। मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज हैं लाइक सिफिलिस, अल्कोहलिज्म, एनसेफलाइटिस या थर्ड क्रैनियल नर्व जहाँ से निकल रही है, प्रीटेक्टल एरिया वहाँ पे डैमेज हो जाए तो डैमेज हो जाए तो ये अर्जाइल रॉबर्टसन पीपल होती है। लाइट रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट बट एकोमोडेशन रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट इज द हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम ये एक इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है, इस पर बहुत सारे जो है एम सी क्यूज आते हैं
मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में। अब इसमें बेसिकली चार चीज़ें होती हैं कि इसमें क्या होता है कि जो सिंपथेटिक इनर्वेशन है, जो अभी हमने पढ़ा था कि सर्वाइकल सिंपथेटिक चेन जो है उस पर जो है इंटरप्शन आ जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपन्स के पीपल जो है अफेक्टेड साइड की, बिकॉज देर इज़ द इंटरप्शन ऑफ द सिंपथेटिक नर्व्स, सो पीपल रिमेन्स कंस्ट्रिक्टेड, देर इज़ ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलेट, क्योंकि जो अपर आईलेट है वो भी सिंपथेटिक उसमें इनर्वेट सिंपथेटिक नर्व इनर्वेट कर रही होती हैं। और थर्ड क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, और सेम साइड जो होती है उस साइड पे स्वेटिंग जो है, स्वेटिंग वो नहीं होती, स्वेटिंग नहीं होती। ये चार चीज़ें हैं हॉर्नर सिंड्रोम। ये देखें डायग्राम, देखें कि हॉर्नर सिंड्रोम इसमें ये देखें कि देर इज़ ड्रूपिंग ऑफ यानी टोसिस ऑफ आईलेट, और इसी साइड की जो है स्वेटिंग, जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रोसिस, स्वेटिंग, लॉस ऑफ स्वेटिंग, एनहाइड्रोसिस, यहाँ पे स्वेटिंग नहीं होगी, और प्लस हेयर विल बी द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल। अगेन इन दिस आई यू कैन सी दैट देर इज ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट एज कंपेयर टू दिस आई, यू कैन वेल इमेजिन दिस, इन दिस आई देर इज ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट, हेयर इज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, एंड ऑन दिस साइड सेम साइड देर विल बी लॉस ऑफ द स्वेटिंग यानी एनहाइड्रोसिस हो जाएगी। सो दिस इज द हॉर्नर सिंड्रोम। ये एक और डायग्राम है, इसमें देखें कि ये ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट, देर इज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल वेरी क्लियर, दिस आई द पीपल इज कंस्ट्रिक्टेड, इन दिस आई पीपल इज कंस्ट्रिक्टेड एज कंपेयर टू दिस आई, हेयर इज द नॉर्मल पीपल एंड हेयर इज द मियोसिस, पीपल इज कंस्ट्रिक्टेड। और एक ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट, दूसरा पीपल की कंस्ट्रिक्शन, और तीसरा लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन द इफेक्टेड साइड, और चौथी है डायलेटेड ब्लड वेसल्स। सो दिस इज द हॉर्नर सिंड्रोम। कि हमने अभी सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई पढ़ी कि कैसे पैरासिम्पथेटिक जो है फाइबर्स थ्रू द थर्ड क्रैनियल नर्व जो है वो एकोमोडेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, और हमने सिंपथेटिक नर्व सप्लाई भी पढ़ी। तो ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक से रिलेटेड जो है ये डिजीज़ हैं कि आर्गाइड रॉबर्टसन पीपल में लाइट रिफ्लेक्स एबसेंट होता है लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है डिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, और इसमें जो कि इनहिबिटरी टाइप फाइबर्स होते हैं तो उसकी डैमेज हो जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लाइट रिफ्लेक्स जो है वो एबसेंट हो जाता है लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। दूसरा यह हॉर्नर सिंड्रोम, इसमें सर्वाइकल सिंपथेटिक चेन पे इंटरप्शन हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर इज टोसिस, माइल्ड टोसिस एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, एंड देर विल बी द लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द फेस, दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रोसिस। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड वेल, और आप इस में जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है उसकी असाइनमेंट जो है वो अच्छी सी बना के वो भी मुझे भेजेंगे। थैंक यू, टेक केयर।